ये सनलाइट पड़ेगी वो राशियों का आइडिया रखता था। यहाँ के लिए आपको सजेशन दे देता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी फ़िलहाल हूँ मैं जयपुर के जंतर मंतर में। जंतर मंतर की टिकट ले ली है, आइडेंटिटी कार्ड लाने का फ़ायदा हो गया है। पहले एंटर होते ही ये दो बड़े बड़े गोल गोल से बने हुए हैं, इनका इसका नाम है यंत्र राज। इससे ग्रह नक्षत्रों का पता लगाया जाता था। ये बीच में होल बनाया गया है ना, इसको शायद सम्मान के इस पर लाइनिंग की हुई है काफ़ी सारी, उसके द्वारा वो ग्रह नक्षत्रों का इस पर लिखे हुए हैं नाम। आपको वीडियो में अच्छे तरीके से पता नहीं चल रहा है, छोटे छोटे नाम लिखे हुए हैं, बृहस्पति, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, लेकिन वो ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत छोटे लिखे हुए हैं। इससे वो ग्रह नक्षत्रों का पता लगाया जाता था। इस यंत्र का नाम है नाडीवल्य यंत्र। इससे जो उत्तरायण दक्षिणायन होता है ना सूर्य का, उसका पता लगाया जाता है। ये बीच में ये पॉइंट दे रखा है, ये शायद सन को दर्शाएगा, और उसके बाद में जो शेडो पड़ेगी उससे उत्तरायण दक्षिणायन का पता लगता है। और ये है वॉच, है एक टाइप की घड़ी है, इसमें टाइम का पता लगता था। अभी आपको समझाता हूँ मैं, मुझे जितना पता है मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सन, मतलब टाइम का पता लगाने के लिए सन। और अभी मौसम ऐसे हो रहा है, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, छाएँ छाएँ हो रखी है, अब सनलाइट आएगी नहीं तो टाइम का एग्जैक्ट पता कैसे चलेगा, इसको अपन प्रैक्टिकली करके कैसे देखेंगे। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी थी, इसकी एग्जैक्ट टाइम बता रहा था, और अभी तो सन ही नहीं है भाई, क्या करें, अपनी तो किस्मत शुरू से ही ख़राब है भाई। किस्मत ने रंग दिखलाए हैं, थोड़ी लाइट आ गई है, मिनटों से ये सूरज निकला है और धूप आई है। इसमें क्या है, आधा दिन तो ये काम करेगी और आधे दिन के बाद में उस साइड का वाली काम करेगी। ये 6 से 12 तक ये काम करेगी और उसके बाद में वो दूसरे वाली। अभी जैसे अपन टाइम देखेंगे, ये जो एक पॉइंट है शायद ये घंटे को दर्शाएगा। ये जो एक पॉइंट है ये पूरा 1 घंटे का है, और यहाँ से ये 11 से लेके 12 तक है। और अभी छाएँ गिर रही है, ये आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। इसमें शायद 38 ऐड होंगे, ठीक है, उसमें क्या है 38 नहीं 22 मिनट ऐड करना है। ये जैसे 1 घंटा हो गया पूरा, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 15 15 15 15 ऐसे करके, और इन 15 मिनट को भी 3 भागों में डिवाइड किया है, 5 5 5 10, और इनको फिर 1 2 3 ये 5 हो गया, और 1 मिनट है इनको 20 20 मिनट में 20 20 सेकंड में डिवाइड किया हुआ है। अभी छाएं नहीं है वरना मैं आपको दिखाता, जाने लगा छाएं आ गई। अभी जैसे पड़ रही है यहाँ पे एग्जैक्ट, ठीक है, तो अपन इधर से देखेंगे, ये हो गया 15 30 45 वाला है, इसमें 22 ऐड करना है। टाइम हाँ, अभी 45 में 22 ऐड करना है। ऊपर आ गया इसे देखो। हाँ अभी क्या क्या टाइम है, 12:05 है, 1 मिनट का डिफरेंस है, करेक्ट है पूरा। हाँ ये घड़ी गलत हो, हाँ ये करेक्ट है, थोड़ा घड़ी में ही 1 मिनट का ऊपर नीचे हो गया था। जैसे यहाँ पे 45 था, इसमें अपने को ऐड किए थे 22, उसके बाद में एग्जैक्ट टाइम आ गया जयपुर का। वैसे अपने इंडिया में इलाहाबाद का टाइम रहता है हर डेली, इसमें कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 41 मिनट का डिफरेंस रहता है, इसके बाद में यहाँ से चल जाएगा ये टाइम। बढ़िया यार, तो भाई ये है चक्र यंत्र, जहाँ इसमें ना राशियाँ लिखी हुई है, ठीक है, उसका आइडिया लगता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, ये तार बंदी हुई है, उसके वो पढ़ रहा है, वो नाम तो पता नहीं मेरे को दिखाई नहीं दे रहा साफ साफ क्या क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, उसका जो ये बीच का डॉट है ना वो वहाँ पे पढ़ रहा है, तो इसी से आइडिया लगता है ये राशियों का। शायद आधे दिन ये काम करेगी और आधे दिन मेरे ख्याल से ये वाला काम करेगा। हाँ यही सिस्टम है, आधे दिन वो आधे दिन ये, इसका वो हटा रखा है अभी सिस्टम। अभी चलते हैं अंदर।
तो भाई इसका नाम है राम यंत्र। ये जो अपने कोई पिंड होता है, जैसे एग्जांपल फॉर अपने सन को ही ले लेते हैं, उसकी जो एग्जैक्ट वो ट्रेंगल वाला होता है ना, वो सिस्टम दूरी होती है वो बताता है, जिसे ट्रेंगल बन जाता है। अभी लाइट पता नहीं, मेरा ये समझ में नहीं आ रहा यार, बहुत हार्ड है ये है। इसकी जहाँ लाइट वो छाएं पड़ेगी उससे वो आइडिया लगता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो राशियों वाला सिस्टम दिखाया था ना, जहाँ ये सनलाइट पड़ेगी वो राशियों का आइडिया लगता था, उसी को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आधा पार्ट ये, क्योंकि उसमें ना ये नाम छोटे छोटे लिखे हुए हैं, जो विद्वान लोग थे जो मतलब पता लगाते थे, वो फिर यहाँ से साफ दिखाई नहीं दे पाता था, तो ना अंदर जाना पड़ता था। तो अंदर जाने के लिए ये सिस्टम बनाया है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधा पार्ट इधर है और आधा पार्ट इस साइड है। ये मतलब इन दोनों को मिलाएंगे तो वो एक ही बन जाएगा, ये सिस्टम है। ठीक है, बढ़िया है। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है अंदर, लेकिन अभी यहाँ बैन कर रखा है अंदर जाना, अपन अंदर भी जाके देख लेते हैं। ये जो अपने वो वॉच देखी थी ना उस टाइम, उसके सारी जो सभी राशियाँ होती है, अब जैसे वहाँ से राशि का आइडिया लगाया, और उसके बाद में जैसे अपन मीन की बात करते हैं, ये यहाँ पे मीन राशि है, तो उसका उसके बाद में आइडिया लगता है। यहाँ के उनकी कैलकुलेशन की जाती थी टाइम का, वही है इसमें ही। मेरे ख्याल से एक पत्थर है, ये जो है मार्बल है, इसको माना गया है 1 घंटा, उसके बाद में ये अभी क्या है, धुंधली धुंधली हो गई, ये साफ दिखाई नहीं दे रही। यहाँ से हवा महल दिखाई दे रहा है, जहाँ अभी हम नेक्स्ट स्टॉप में जाने वाले हैं। यहाँ से वो नारगढ़ फोर्ट भी दिखाई दे रहा है, जयगढ़ भी दे रहा है सब फोर्ट यहाँ। तो भाई ये है वर्ल्ड की सबसे बड़ी दीवार घड़ी है, ये अभी यहाँ ऊपर जाने से बैन करा हुआ है। इसमें क्या है सिस्टम, तो वो आपको मैंने समझाया था वही है, लेकिन इसमें जो सेकंड्स है वो मतलब टाइम को बहुत ही छोटे से छोटे भाग में डिवाइड कर दिया। ऊपर साल में ये एक बार खुलता है, और यहाँ आज भी विद्वान लोग आते हैं और वो हवा का और वो परीक्षण करते हैं, मानसून के बारे में कुछ बताते हैं, एक आइडिया लगता है। अभी चलते हैं नीचे, नीचे का तो खुला हुआ है, नीचे तो जा सकते हैं, नीचे जाते हैं। ऊपर जाने का मन तो बहुत कर रहा है लेकिन जाने नहीं देते, क्या कर सकते हैं, बस आके फोटोज ले ली है। यहाँ के लिए आपको सजेशन देता हूँ, गाइड कर लेना, यहाँ कंजूसी मत करना। मेरे को तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियो देखी हुई थी तो मेरे थोड़ा बहुत समझ में आ गया, वो तेरी गिर जाता समझ में आ गया, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। A few moments later. जंतर मंतर के बाद काफ़ी जगह गए, लेकिन वो मंदिर थे कोई कुछ था, इसलिए मैंने ब्लॉक नहीं किया। अभी आए हैं जल महल, यहाँ फाइनली पहुँच गए हैं जल महल। ये जल के अंदर है महल, सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे वोटिंग अलाउ नहीं है। इसके चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है, और आज मौसम भी साथ दे रहा है, बढ़िया ठंड हो रखी है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, वरना परेशान कर देता हूँ। एकदम से धूप आती है, इतनी गर्मी होती है, बाद में ठंड हो जाती है धीरे धीरे। वैसे इसमें यहाँ गंदा कर रखा है इसको, इसमें वोटिंग बंद कर रखी है क्योंकि जा नहीं सकते, वहाँ शरारती लोग आते हैं ना मेरे जैसे। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं मछलियाँ भी है यहाँ पे, ये रही काफ़ी सारी है, और ये हमने एक जुगाड़ कर रखा है, यहाँ पे टाइम लैप्स चल रहा है। भाई ग्लास फूट गया, नीचे गिर गया था फोन। ने डिसाइड किया कि यहाँ से ये बैक जंप मारे के अंदर और पानी के अंदर 10 मिनट नहाएंगे। चलो वन साइड में हो जाओ, हाँ चलो स्टार्ट स्टार्ट है।
है।